हेलो दोस्तों, सरल फिश किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मानसून में ही मिलने वाली सबसे ताकतवर सब्जी, जिसे हम खेक्सा या कंटोला या ककोड़ा के नाम से जानते हैं। इसे कई जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। यह खाने में स्वादिष्ट तो होती ही है, साथ ही औषधि गुणों से भरपूर होता है। हम वीडियो में इसके अनेक फायदों के बारे में और आगे जानेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। हमारे यहाँ इसको खेक्सा बोलते हैं। तो इस सब्जी को काटने से पहले अच्छे से 2 बार 3 बार पानी से धो लें, इसके बाद में इसे कट करें। यहाँ पर मैंने इसको राउंड शेप में कट किया है, तो आप अपने मनपसंद साइज में कट कर सकते हैं। एक कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच तेल गरम कर लिया है। यहाँ पर आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के प्याज को ऐसे ही रफली कट किया है और इसको थोड़ी देर भून लेंगे। प्याज को थोड़ी देर भूनने के बाद में इसमें हम 2 हरी मिर्चों को कट करके डाल देंगे और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट को मैंने ऐसे ही कूट लिया है, इसको भी इसी में डाल देंगे। प्याज के साथ में इन सबको अच्छे से भून लेंगे। इनको थोड़ी देर भूनने के बाद में हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और 1/2 चम्मच नमक। अब इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे पकने देते हैं। खेक्सा करेले प्रजाति का सब्जी होता है, लेकिन करेले जितना कड़वा नहीं होता है। इसे आप बिना प्याज टमाटर के भी बना सकते हैं। यह बनने के बाद में कड़वा बिल्कुल भी नहीं लगता है, लेकिन मैं इस सब्जी को चटपटा और मसालेदार बनाने के लिए इसमें प्याज और टमाटर डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 टमाटर को इस तरह से रफली कट करके डाल दिया है और इसको थोड़ी देर पकने देते हैं प्याज के साथ में। तो यहाँ पर इसको चलाते हुए पका लेंगे। टमाटर और प्याज जैसे ही पकेगा तो हम इसे निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। मैंने प्याज और टमाटर को एक प्लेट में निकाल लिया है। अब उस कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाल दिया है और उसमें 1 चम्मच सरसों डाल देंगे, जिसे राई भी बोलते हैं, और 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा और सरसों के चटकते ही अब इसमें हम कटे हुए सब्जी को डाल देंगे। यहाँ पर मैंने एक आलू को भी इसी शेप में कट कर लिया है। आप चाहें तो इसे तेल में फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर फ्राई नहीं किया है, मैं इसको ऐसे ही भून के बनाऊंगी। मैंने यहाँ पर गैस को मीडियम पे रखा है और इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और 1/2 चम्मच नमक अपने स्वाद के अनुसार, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसे ढक देते हैं, इसे मीडियम गैस पर ही पकने देते हैं। यह सब्जी स्वादिष्ट तो लगती ही है, साथ ही बहुत हेल्दी है। यह बीपी को कंट्रोल में करती है, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है और आँखों के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है, और यह पेट संबंधी बहुत से रोगों को ठीक करता है। आप इसे अपने डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए, इससे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं। यह सब्जी पक गया है। मैंने सब्जी को मीडियम गैस पर ही पकाया है। अब इसमें इस पीसे हुए टमाटर और प्याज को डाल देंगे। और साथ ही में 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और 1 चम्मच गरम मसाला, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे थोड़ी देर और पकने देते हैं। आप इस सब्जी को रोटी या फिर दाल चावल के साथ में खा सकते हैं। वैसे यह दाल चावल के साथ में बहुत अच्छा लगता है। टमाटर और प्याज डालने के बाद में इसे 3-4 मिनट के लिए और पकने देते हैं। गैस को मीडियम पे ही रखें और इसको बीच बीच में चलाते हुए थोड़ी देर पकने देते हैं, ताकि इसमें मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पर इसमें नमक मिर्ची आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यह सब्जी बनकर तैयार है। तो इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इसे भी इसमें मिक्स कर देंगे। तो आप भी इसी तरीके से एक बार सब्जी बनाकर देखिए, यह बहुत ही टेस्टी बनता है। तो उम्मीद करती हूँ यह रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू।